अस्सलाम वालेकुम। आज हम ISSB एकेडमी में देखेंगे कि हम 11 की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, 11, 12 और 13। तो सबसे पहले हम 11 की मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल वे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 23 मल्टीप्लाई बाई 11 करना है तो आप कैसे लिखेंगे? 23 11 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 एंड देन 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 2, और इसको हम ऐड करके ये बन जाएगा 352। तो 253 इज़ आवर आंसर। इसमें आपको कम से कम 6 से 7 सेकंड लगेंगे करने में, ठीक है? तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा। उसमें आपने क्या करना है, 23 इंटू 11 आपने फर्स्ट डिजिट ऑफ 2 लिखना है, उसके बाद 2 एंड 3 को सम करना है, वो लिखना है, और उसके बाद 3 एंड पे लिख देना है आपने। तो ये आपका हो जाएगा 253। तो ये फास्टेस्ट वे है आपका एग्ज़ाम वगैरह में ये कैलकुलेशन करने के लिए। 2 2 प्लस 3 5 एंड एंड पे 3। हम देखते हैं 34 इंटू 11। तो वेरी सिंपल, आप खुद जज करें क्या कर सकते हैं आप, इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही जज किया आपने, 3 3 प्लस 4 7 और एंड पर 4। तो 374 इज़ एवर आंसर। तो 11 के टेबल को अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2 डिजिट्स को 11 से कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 इंटू 11। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 1, उसके बाद 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे दैट इज़ 5, और उसके बाद 3 डाल देंगे। तो ये 3 डिजिट्स को भी हम 11 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आप रابطہ करें, और भी बहुत सी सीरीज़ आ रही हैं फास्ट मैथ की।